अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव और आपको अपने गांव की सैर करवाता हूँ। अभी हम रास्ते में हैं, हम कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको अपने गांव की सैर करवाऊँगा। ये देख लें, मेरा कदम मेरे साथ है, रिक्शा चला रहा है और मैं कदम के लिए जो है सरसब खाद ले के जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, खाद बढ़िया सरसब ये मैं ले के जा रहा हूँ। चला कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे अपने गांव, फिर आपको अपने गांव की सैर करवाता हूँ। जी इस वक्त हम मखदूम शहीद की तरफ पहुँच चुके हैं। तकरीबन ये मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है और ये छोटा सा शहर है और इसमें एक मशहूर तरीन बुजुर्ग बस्ती जनाब पीर अब्दुल रशीद अफगानी साहब का दरबार भी है। आपको उसका भी थोड़ा सा बाहर से विज़िट कराएँगे, दूर से आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा शहर अड्डा मखदूम शहीद का साफ और उससे शहर का भी विज़िट कराते हैं और ये रास्ते में थाना मखदूम शहीद भी आता है जो कि इस शहर को लगता है। ये जी अब हम मखदूम शहीद शहर में तकरीबन आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों से रोड के दुकानें मार्केटें बनी हुई हैं। अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा मैदान का दीदार भी कराते हैं। ये देखें जी, ये पीछे से आपको मैदान भी नज़र आ रहा होगा मखदूम अब्दुल रशीद अफगानी साहब का। ये अड्डे के नज़दीक हम पहुँच गए हैं जो मखदूम शहीद अड्डा कहलाता है। मखदूम शहीद है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक में आपको नज़र आ रही है, ये मखदूम शहीद अड्डा है। ठीक हो गया जी, और ये रोड जो जा रहे हैं हम किस पे, यहाँ से मखदूम शहीद शहर से हमारा जो गांव है वो सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है और ये रोड सीधा रिहाड़ी को जाता है और इसको दिल्ली रोड भी कहा जाता है। तो आपको बहुत जल्द हम अपने गाँव में ले कर चलेंगे और आपको वहाँ फसलों का विजिट कराएंगे, जानवर दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे। जी हम तकरीबन नज़दीक हैं जो हमारे गांव वो रोड जाता है उसके पास पहुँचने वाले हैं। अभी हम मुड़ेंगे, आपको उसका भी थोड़ा सा विजिट दिखाएंगे, आपको विजिट कराएंगे, जहाँ से जब मुड़ेंगे आपको दिखाएंगे। अभी हम मुड़ रहे हैं जो हमारे गाँव को जाता है रोड और इसके साथ एक नहर भी जाती है। आप देख रहे हैं हरी भरी फसलें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ के लोग बहुत सादा होते हैं, फ्रेंडली लोग हैं। रोड के दोनों साइडों से हरी भरी फसलें नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें, ये गंदम की फसल बिछी हुई है, पीछे आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं, ये घास है जो जानवर को चारा डाला जाता है ना, ये वो घास है। इसको सरसों भी कहते हैं, ये सरसों के पौधे नज़र आ रहे हैं। देर में जो हमारे गांव की तरफ सड़क उतरी है, कच्ची सड़क उतरती है और उस पर हम मुड़ने वाले हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं। बारिश की वजह से वो बहुत ख़राब हुई पड़ी है, उसका आपको दिखाते हैं। यदि हम मुड़ रहे हैं जो हमारे गांव की तरफ कच्ची सड़क उतरती है, ये देखें जी फसलें नज़र आ रही हैं आपको। बारिश आई है तो उसकी वजह से देखें फसलें हरी भरी नज़र आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं, ये मेरा मामू का घर है, ये पीछे आप देख सकते हैं और वो इस टाइम गंदम को खार डाल रहे हैं। ये आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए गंदम को खार डाल रहा है वो। ठीक है,
तो मेरी भी खाद आ गई है, तो इंशाल्लाह मैं भी डालूंगा गन्ने को खाद। कल इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। ये मेरे कज़न भी मेरे साथ हैं जो रिक्शे पे जो खाद लोड करके आए हैं। ये मेरे मामूनन खाद डाल रहे हैं गंदम को, सरसब्ज यूरिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये देखें जी, ये यूरिया सरसब्ज यूरिया खाद ये मैं अपने गंदम में डलवा रहा हूँ। और ये देखें, ये डाल रहा है भाई इसमें सरसब्ज यूरिया है ये। देखें जी, ये कपड़े के अंदर खाद डाल रहा है, इसके बाद ये खेत में डालेगा अभी गंदम में। इससे ये फ़ायदा होता है, ये गंदम जो इसकी हाइट है वो बढ़ती है, इसकी हाइट बढ़ाती है। ये मेरी गंदम है जी, आपको पीछे नज़र आ रही है, देख सकते हैं 3.5 एकड़ मेरी गंदम है। इसकी मैंने बिजाई की और इसमें अकबर बीज जो है वो मैंने काश किया हुआ है। एक अच्छी वैरायटी है, पिछले साल भी औसत जो थी वो फी एकड़ तकरीबन 60 मन से ऊपर थी, तो इस साल मैंने भी तकरीबन सारी वही बीज रखी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिस्क देगा और अच्छी फसल होगी। ये देखें जी, ये मेरे चाचू हैं मार बिलाल, और ये गाय की चुवाई करने लगे हैं। आपको दिखाते हैं ये कैसे चुवाई करते हैं। रस्सा बांध रहे हैं ताकि ये टांगे ना मारे। और वो गुबार नंबर वन है दिया था। हाँ वैसे आप इधर देख 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 कर ली देख काम देख नच दी ये देखें जी, ये दो चीज ट्राई कर रहे हैं मेरे चाचू इस वक्त, गाय से गाय की सफाई कर रहे हैं ये। जी दोस्तों, ये मेरे दूसरे चाचू हैं मार अजमल, और ये भैंस की चुवाई कर रहे हैं। ये जानवर इनके भी खड़े हैं, ये देख लें, ये बहाने के अंदर खड़ा हुआ है। ये सारे जानवर हैं इनके, ये चुवाई कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है।